मेरे YouTube देखने वाले सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज मैं आपको संसार में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है इसकी जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। मिट्टी का सही सही वर्गीकरण हासिल करना बहुत मुश्किल है, जो भूगोलवेत्ता के लिए अर्थपूर्ण हो और साथ ही सभी मिट्टी के प्रकारों और ग्रेडेशन का सटीक प्रतिबिंब हो। आज उपयोग किए जाने वाले दो मुख्य प्रकार के वर्गीकरण को मिट्टी की अनुमानित उत्पत्ति के आधार पर पहचाना जा सकता है और जो प्रोफाइल के अवलोकनीय गुणों पर आधारित होते हैं। प्रत्येक के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। जोनल सिस्टम मिट्टी के सबसे लोकप्रिय वर्गीकरणों में से एक क्षेत्रीय प्रणाली रही है। यह कई साल पहले रूसी पेडोलॉजिस्ट डुकुचेव क्लिंका द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिन्होंने दुनिया भर में जलवायु, वनस्पति और मिट्टी के क्षेत्रों के बीच मजबूत संबंध को मान्यता दी थी। मिट्टी के तीन मुख्य वर्ग पहचाने जाते हैं। नंबर एक, आंचलिक मिट्टी, वे है जो अच्छी तरह से विकसित है और प्रमुख मिट्टी बनाने वाले कारक के रूप में जलवायु के प्रभाव को दर्शाती है। इंद्राजोनल नंबर दो, इंद्राजोनल प्रकार अच्छी तरह से विकसित मिट्टी है जहाँ कुछ स्थानीय कारक प्रमुख है। एजोनल मिट्टी, वे है जो अपरिपक्व या खराब या विकसित है। तो सॉइल क्लासिफिकेशन जो है मुख्य रूप से एक तो जोनल हो गया, इंट्राजोनल हो गया और एजोनल हो गया। अब जो जोनल है उसमें फिर उसके दो उप प्रकार है, एक है पेडल फार और दूसरा है पेडोकल। अब पेडल फार में फिर उसकी श्रेणियां हैं, इसमें टुंड्रा, पोर्टजोल, प्रेरी, लेटराइट या लेटसोल, ग्रे ब्राउन पोर्टजोल, रेड येलो पोर्टजोल। जोनल का जो दूसरा प्रकार है पेडोकल, इसके उप प्रकार है चेरनोजेम, चेस्टनट ब्राउन और ग्रे डेजर्ट टायरोजेम। इंट्राजोनल में जो है हाइड्रोमार्फिक और हेलोमार्फिक और कैल्सीमार्फिक, और इसी का दूसरा प्रकार जो है एजोनल है। उसके फिर उप प्रकार है तीन प्रकार के, जो कि है लिथोसोल, रेगोसोल, एलुवियल। आंचलिक प्रकार, पहला नंबर एक आंचलिक प्रकार, ये मिट्टी व्यापक भौगोलिक क्षेत्रों या क्षेत्रों में होती है। वे चट्टान के प्रकार के बजाय क्षेत्र की जलवायु और वनस्पति से अधिक प्रभावित होते हैं। वे लंबे समय तक स्थिर स्थितियों के परिणाम स्वरूप परिपक्व होते हैं। पॉटजोल्स राख या मिट्टी, जेलुएशन प्रक्रिया का प्रभाव एक विशेषता प्रचालित ई क्षितिज के साथ मिट्टी का उत्पादन करना है। कुछ प्रोफाइल में ह्यूमस को प्रोफाइल के नीचे धोया जाता है और ह्यूमस समृद्ध बी क्षितिज के रूप में जमा होता है, जिससे ह्यूमस पोर्टजोल बनता है। दूसरों में इस स्तर पर आयरन ऑक्साइड की एक स्पष्ट सांद्रता होती है, जिससे आयरन पोर्टजोल बनता है। कभी कभी यह लोहे की कड़ाई का रूप ले लेता है, जल निकासी में बाधा डालता है और परिणाम स्वरूप एक क्ली पोर्टजोल होता है। इन तीन प्रकार के पोर्टजोल टुंड्रा क्षेत्र के तुरंत दक्षिण में ठंडी जलवायु में सबसे अधिक व्यापक है और आमतौर पर शंकुधारी वन के साथ पाए जाते हैं। अगला है पूरी धरती। ये मिट्टी एक पर्णपाती वन आवरण का समर्थन करने वाले दुधारू जलवायु में मुख्य पोर्टजोल जोन के भूमध्य रेखा वार्ड में पाए जाते हैं।
मिट्टी अभी भी लीचिंग प्रदर्शित करती है, लेकिन फाजोल्स की तुलना में बहुत कम तीव्र प्रकृति की है। हालांकि प्रोफाइल के ऊपरी हिस्सों में मुक्त कैल्शियम अनुपस्थित है, वहां सेस्क्वेकसाइट्स का कोई नीचे की ओर संचलन नहीं होता है और उनका बिखरा हुआ वितरण मिट्टी के समग्र भूरे रंग को जन्म देता है। इसके अलावा ह्यूमस पूरे प्रोफाइल में अच्छी तरह से वितरित किया जाता है और पाजोल्स की तुलना में कम अम्ली होता है। भूरे रंग की धरती ब्रिटेन में व्यापक रूप से फैली हुई है, हाईलैंड क्षेत्रों को छोड़कर। टुंड्रा मिट्टी, टुंड्रा में जमीनी बर्फ के पैटर्न में मौजूद महान विविधताएं मिट्टी में समान रूप से जटिल विविधताएं पैदा करती है। जहां ढलान की स्थिति काफ़ी स्थिर होती है, पौधे के अपघटन की धीमी दर आमतौर पर मिट्टी की सतह पर पीट की परत की उपस्थिति का परिणाम होती है। तकरी ढलान आंदोलन के क्षेत्रों में मिट्टी अनिवार्य रूप से पतली होती है। सबसे चरम स्थितियों में जहां पौधों की वृद्धि नहीं होती है, वहां की मिट्टी नम होती है। अंटार्कटिक की भूरी ध्रुवी मरुस्थली मिट्टी इसी प्रकृति की है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में संटी जंगल वाले टुंड्रा मार्जिन में आर्कटिक भूरे रंग की वन मिट्टी होती है, जो एक घने गहरे कार्बनिक ए क्षितिज की विशेषता होती है। सीरोजेम मरुस्थली और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों के सीरोजेम्स को चेस्टनट मिट्टी के चरम रूपों के रूप में माना जा सकता है, जिसमें ऊपर की ओर केसिका आकर्षण के कारण चूना और जिप्सम सतह के और भी करीब आ जाते हैं। क्योंकि अधिकांश पौधे शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, इसलिए पत्तियों का गिरना कम होता है और इन मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं। हालांकि जब सिंचित किया जाता है तो उनकी उच्च आधार स्थिति के कारण सीरोजेम्स बहुत उपजाऊ हो सकते हैं। चेरनोजम मिट्टी, चेरनोजेम और उनके प्रकार के सर्वोत्तम उदाहरण स्टेपी या पेरी वनस्पति के सहयोग से पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों की हल्की वर्षा से अधूरा निक्षालन होता है और प्रोफाइल में गहरे कैल्शियम युक्त क्षितिज का निर्माण होता है। इसके ऊपर मिट्टी की गहरी काली परत होती है, जो एक मीटर तक मोटी हो सकती है। इस परत की ह्यूमस सामग्री आश्चर्यजनक रूप से अक्सर 10% से अधिक नहीं होती है। गहरा रंग आधार छारी समृद्ध खनिज मैट्रिक्स से जुड़ा होता है। चेरनोजेम में एक अच्छी तरह से विकसित क्रम संरचना है। इस मिट्टी के लिए आदर्श मूल सामग्री लोस लगती है, जो उत्तरी अमेरिका, रूस और उत्तरी चीन के मध्य पश्चिम में व्यापक है। शाहबलूत मिट्टी, कम घास स्टेपी की प्राकृतिक वनस्पति के तहत चेरनोजेम बेल्ट के शुष्क पक्ष में चेस्टनट मिट्टी होती है। चेरनोजेम की तुलना में जलोढ़ कार्बोनेट परत सतह के करीब होती है और उनमें जैविक सामग्री कम होती है। प्रेरी मिट्टी, प्रेरी मिट्टी चेरनोजेम और वन भूरी पृथ्वी के बीच बढ़ती नमी के संक्रमण क्षेत्र पर कब्जा कर लेती है। ग्रूमूसोल्स, ये सवाना या घास से ढके क्षेत्रों की गहरी मिट्टी वाली मिट्टी है, जिनमें गीले और सूखे मौसम के साथ गर्म जलवायु होती है। कोई जलोढ़ या जलोढ़ क्षितिज नहीं है, लेकिन संपूर्ण सोलम तारो विशेष रूप से कैल्शियम से समृद्ध है और इसीलिए इसका गहरा रंग है। इन मिट्टी की विशेषता शुष्क मौसम की दरारों की एक उच्च डिग्री है। फेराल सोल्स, फेराल सोल्स जो है
अंतर अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मिट्टी को अक्सर लेटरिटिक कहा जाता है, लेकिन सख्ती से बोलना लेटराइट एक अक्षय उत्पाद है, न कि मिट्टी का प्रकार। हालांकि अधिकांश उष्णकटिबंधीय मिट्टी फेरिक ऑक्साइड से भरपूर होती है और सामूहिक रूप से फेरालसोल के रूप में जानी जाती है, मिट्टी के लाल भूरे या कभी कभी पीले रंग के लिए लोहे और एल्यूमिनियम के सेस्क्यूऑक्साइड्स की प्रचुरता होती है। ये क्षितिज एक विशिष्ट प्रोफाइल का पहला मीटर बनाता है और आमतौर पर कम ह्यूमस सामग्री के साथ अम्लीय होता है। बी क्षितिज आमतौर पर 15 मीटर या उससे अधिक तक फैला हुआ है और मुख्य रूप से चिकनी मिट्टी है। ह्यूमस और क्षारों की कमी के कारण फेरालसालिक मिट्टी की उर्वरता कम होती है। दूसरा जो है इंट्राजोनल प्रकार, ये मिट्टी अन्य क्षेत्रीय मिट्टी के भीतर होती है। यह एक अच्छी तरह से विकसित मिट्टी है जो जलवायु और वनस्पति के बजाय राहत मूल सामग्री या उम्र के कुछ स्थानीय कारक के प्रभाव को दर्शाती है। हाइड्रोमार्फिक मिट्टी, हाइड्रोमार्फिक मिट्टी वे है जो ग्लिंग से गुजरी है और दलदल दलदल या खराब जल निकासी वाली ऊपरी भूमि से जुड़ी है। प्रोफाइल में जल तालिका की स्थिति के अनुसार दो मुख्य प्रकारों को पहचाना जा सकता है, भूजल गलियां जहां भूजल सतह के नीचे है और सतही जल गलियां। क्लिंग अनिवार्य रूप से जल भराव और मिट्टी में कमी की प्रक्रिया है। जल भराव वाली मिट्टी में जहां पानी छिद्रों में हवा की जगह लेता है, मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों को आने वाले रोगाणुओं द्वारा ऑक्सीजन का तेजी से उपयोग किया जाता है। कैल्सीमार्फिक मिट्टी, कैल्सीमार्फिक मिट्टी चुनेदार मूल सामग्री पर विकसित होती है। रेड जीन डार्क जैविक समृद्ध है और ब्रिटेन में डार्क राख से जुड़े हैं। एक अन्य कैल्सीमार्फिक मिट्टी टेरा रोसा है जो इसके विपरीत मुख्य रूप से खनिज मिट्टी है और मुख्य रूप से भूमध्य सागरी क्षेत्र में पाई जाती है। ऊपरी क्षितिज मिट्टी में समृद्ध है और रंग में लाल है, मूल सामग्री के साथ तेजी से विपरीत है। हेलोमार्फिक लवणी मिट्टी, हेलोमार्फिक लवी मिट्टी ज्यादातर रेगिस्तानों में पाई जाती है। इस समूह में तीन सामान्य प्रकार है, सोलचक सफेद क्षार मिट्टी अवसादों में विकसित होती है और शुष्क अवधि में सफेद नमक की परत प्रदर्शित करती है। सोलोनेट्स काली क्षार मिट्टी तीव्र क्षारीकरण के उत्पाद है और सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति की विशेषता है। सोलोडिक मिट्टी तब विकसित होती है जब अतिरिक्त सोडियम की उपस्थिति में लीचिंग से मिट्टी और सेस्क्वी ऑक्साइड्स का नुकसान होता है जो पोर्टजोल की तरह दिखने वाले प्रचालित विरंजित क्षितिज का निर्माण करता है। तीसरा आंचलिक मिट्टी, यह वह मिट्टी है जो अपरदन के एजेंटों द्वारा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा विकसित की गई है। इसका अर्थ है कि यह दूर दूर से लाए गए महीन चट्टानी कणों द्वारा बनाया गया है। ये अपरिपक्व मिट्टी है और अच्छी तरह से विकसित मिट्टी प्रोफाइल की कमी है। यह उनके पूरी तरह से विकसित होने के लिए पर्याप्त समय की अनुपलब्धता या बहुत बड़ी ढलानों पर स्थान के कारण हो सकता है जो प्रोफाइल विकास को प्रतिबंधित करता है। मूल सामग्री की विशेषताओं या इलाके की प्रकृति या बस विकास के लिए समय की कमी के कारण अपरिपक्व मिट्टी मौजूद हो सकती है। ऐसी स्थितियां आमतौर पर उन क्षेत्रों में होती है जहां ताज़ा मूल सामग्री जमा या उजागर की जा रही है। उदाहरण के लिए सक्री बाढ़
मैदानों पर जलोढ़ मिट्टी में बहुत कम या कोई प्रोफाइल विकास नहीं होता है, क्योंकि वे नए तलछट के तहत लगातार दफन होते हैं। रेगोसोल सूखे और ढीले रेत के टीले या लोयस से बने होते हैं। लिथोसोल्स खड़ी ढलानों पर अपूर्ण रूप से अपक्षयी चट्टान के टुकड़े का संचय है, जहाँ कटाव की दर मिट्टी को लगभग उतनी ही तेजी से हटाती है जितनी तेजी से बनती है। आंचलिक अवधारणा के खिलाफ कई आलोचनाएं की गई है, जैसे कि एक यह है कि एक जलवायु की आंचलिक मिट्टी दूसरे में अच्छी तरह से पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए पार्टजोल्स, जिन्हें आमतौर पर शांत महाद्वीपीय जलवायु के आंचलिक मिट्टी के प्रकार के रूप में पहचाना जाता है, समुद्री क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी होते हैं। एक और कठिनाई आंचलिक वर्ग से संबंधित है। आंचलिक मिट्टी आवश्यक रूप से विकास के लिए समय की कमी का प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन शायद स्थानीय कारकों का परिणाम है जिसने लंबी अवधि में मिट्टी के विकास को रोका है। एक तीसरा बिंदु यह है कि मिट्टी की रूपरेखा हमेशा प्रचलित जलवायु को प्रतिबिंबित नहीं करती है, और इसमें पिछली जलवायु से विरासत में मिली विशेषताएं हो सकती है। USDA मृदा वर्गीकरण। हाल के वर्षों में अमेरिकी कृषि विभाग ने अनुवांशिकी विचारों के बजाय देखी गई मिट्टी के गुणों के आधार पर मिट्टी के वर्गीकरण की एक प्रणाली को अपनाया है। मिट्टी के 12 क्रम हैं, जो मुख्य रूप से उन गुणों के आधार पर प्रतिष्ठित है जो विकास के एक प्रमुख पाठ्यक्रम को दर्शाते हैं, जिसमें उल्लेखनीय नैदानिक क्षितिज की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर काफ़ी जोर दिया गया है। अल्फिसोल एल्यूमिनियम के लिए अल और लोहे के लिए एफ, रासायनिक प्रतीक Fe। इन मिट्टी में दो प्रमुख तत्व। एंडिसोल्स एंडीज पर्वत ज्वालामुखियों में एक प्रकार के मैग्मा से बनी चट्टान, ज्वालामुखी राग में उच्च मिट्टी। एरिडिसोल सूखी मिट्टी। एंटीसोल ये हाल ही में बनी मिट्टी है। गेलिसोल परमाफ्रास्ट के क्षेत्रों में मिट्टी। हिस्टोसोल इस मिट्टी में ज़्यादातर कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इंसेप्टिसोल अपने जीवन की शुरुआत में युवा मिट्टी। मोलिसोल मुलायम मिट्टी। ऑक्सीसोल बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सी युक्त यौगिकों वाली मिट्टी। स्पोडोसोल एस मिट्टी। अल्टीसोल्स ऐसी मिट्टी जिसका अंतिम पोषक तत्व निचालित हो चुका होता है। वर्टिसोल ऐसी मिट्टी जिसमें ओ और ए क्षितिज से सामग्री सतह की दरारों के माध्यम से गिरती है और गहरे क्षितिज के नीचे समाप्त होती है। इस विश्लेषण के लिए हम मिट्टी के क्रम के 4 कारकों के आधार पर समूहित करेंगे जो एक विशेष क्रम की विशेषता हो सकते हैं। परिपक्वता, जलवायु, मूल सामग्री और उच्च कार्बनिक पदार्थ। जहाँ सामग्री हाल ही में जमा की गई है, मिट्टी में कोई क्षितिज या खराब विकसित क्षितिज नहीं है और आगे खनिज परिवर्तन करने में सक्षम है। एंटीसोल और इंसेप्टिसोल। एंटीसोल विशिष्ट क्षितिज के बिना खनिज मिट्टी है, वे मिट्टी है इस अर्थ में कि वो पौधों का समर्थन करते हैं और वो किसी भी जलवायु और किसी भी वनस्पति के तहत पाए जा सकते हैं। एंटीसोल में क्षितिज की कमी होती है अक्सर, क्योंकि वे हाल ही में जमा होते हैं, वे किसी भी जलवायु या क्षेत्र में हो सकते हैं। इंसेप्टिसोल कमजोर विकसित क्षितिज वाली मिट्टी है आमतौर पर, क्योंकि मिट्टी काफ़ी युवा होती है। इंसेप्टिसोल में केवल कमजोर रूप से विकसित क्षितिज होते हैं। नदी के बाढ़ के मैदानों और डेल्टाओं के इंसेप्टिसोल अक्सर बहुत उत्पादक होते हैं। एंटीसोल और इंसेप्टिसोल विषुवती से लेकर आर्कटिक अक्षांश क्षेत्रों तक कहीं भी पाए जा सकते हैं।
गर्म और नम जलवायु में पहाड़ के मैदानों और डेल्टा मैदानों के एंटीसोल और इंसेप्टिसोल अपने अनुकूल बनावट, पर्याप्त पोषक तत्व और बड़े मिट्टी जल भंडारण के कारण दुनिया में सबसे अधिक उत्पादक कृषि मिट्टी है। अल्फिसोल और स्पोडोसोल। अल्फिसोल ऐसी मिट्टी है जिनकी विशेषता मिट्टी से भरपूर क्षितिज है जो रोशनी और उच्च आधार स्थिति से उत्पन्न होती है। अल्फिसाल का विश्व वितरण अक्षांश में अत्यंत विस्तृत है। उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में 60 डिग्री उत्तर से लेकर दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में विषुवती क्षेत्र तक है, क्योंकि अल्फिसाल जलवायु प्रकारों में एक विशाल श्रेणी में फैला है। अल्फिसाल की 4 महत्वपूर्ण उपसीमाएं, प्रत्येक की अपनी जलवायु समृद्धता है। बोरालपस। उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया की ठंडी बोरियल वन भूमि के अल्फिसोल है। उनके पास एक दूसरा सतह क्षितिज और भूरी अवभूमि है। उडालफस मध्य अक्षांश क्षेत्र के भूरे रंग के अल्फिसोल्स है। उस्टाल्प्स गर्म जलवायु के अल्फिसोल्स को लाल करने के लिए भूरे रंग होते हैं। जेराल्फस भूमध्य सागरी जलवायु के अल्फिसोल है। इसकी ठंडी नम सर्दियों और शुष्क गर्मियों के साथ जेराल्फस आमतौर पर भूरे या लाल रंग के होते हैं। स्पोडोसोल्स में प्रकाश के हल्के रंग का अल्विक क्षितिज होता है और रोशनी का एक घना स्पोडिक क्षितिज होता है। वे ठंडे नीडल लीफ वनों के नीचे विकसित होते हैं और काफी अम्लीय होते हैं। स्पोडोसोल हाल ही में लेट सोनोजोइक आइस एज की बड़ी बर्फ की चादरों से ढके क्षेत्रों से निकटता से जुड़े हुए कृषि उत्पादकता के मामले में स्पोडोसोल स्वाभाविक रूप से खराब मिट्टी है, क्योंकि वे अम्ली है। चूने का प्रयोग आवश्यक है। ऑक्सीसोल्स और अल्टीसोल्स। ऑक्सीसोल भूमध्य रेखी उष्णकटिबंधी और उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्रों के नम जलवायु में भूमि की सतहों पर विकसित हुए हैं, जो लंबे समय तक स्थिर रहे हैं। हम इन मिट्टी को दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के विशाल क्षेत्रों में आर्द्र भूमध्य रेखी जलवायु में पाते हैं, जहाँ मूल वनस्पति वर्षावन है। अल्टीसोल ऑक्सीमोल के समान है, लेकिन एक उपसतह मिट्टी क्षितिज है। वे निकट से संबंधित वातावरण में उत्पन्न होते हैं। हम अल्टीसोल्स को पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और ईस्ट इंडीज में पाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अल्टीसाल विनाशकारी मिट्टी के कटाव के लिए भी कमजोर है, खासकर खड़ी पहाड़ी ढलानों पर। जलवायु द्वारा विशेषता मिट्टी। मालीसोल। मालीसोल उपआर्द्र से अर्ध शुष्क जलवायु वाले घास के मैदानों की मिट्टी है। उनके पास एक मोटी गहरे रंग की सतह परत होती है, जिसे मालिक एपिपेडान कहा जाता है। उनकी ढीली बनावट और उच्च आधार स्थिति के कारण वे अत्यधिक उत्पादक है। उत्तरी अमेरिका में मोलीसोल ग्रेट प्लेन्स क्षेत्र, कोलंबिया पठार और उत्तरी ग्रेट बेसिन पर हावी है। दक्षिण अमेरिका में मोलीसोल का एक बड़ा क्षेत्र अर्जेंटीना और उरुग्वे के पंपा क्षेत्र को कवर करता है। यूरेशिया में मोलीसोल का एक बड़ा बेल्ट रोमानिया से पूर्व की ओर रूस, साइबेरिया और मंगोलिया के मैदानों में फैला हुआ है। एरिडिसोल। एरिडिसोल कमजोर विकसित क्षितिज वाली रेगिस्तानी मिट्टी है। वे अक्सर कैल्शियम कार्बोनेट या घुलनशील लवणों के संचय से बनी
उपसतह परतों को प्रदर्शित करते हैं। सिंचाई और उचित प्रबंधन से ये काफ़ी उर्वर होती है। एरिडी सोल्स शुष्क उष्णकटिबंधी, जलवायु शुष्क उपोष्णकटिबंधी जलवायु और शुष्क मध्य अक्षांश जलवायु के शुष्क प्रकारों के साथ निकटता से संबंधित है। गेलिसोल परमाफ्रास्ट क्षेत्रों की मिट्टी है जो फ्रिज पिघलने वाली बर्फ की क्रिया द्वारा मंथन की जाती है। वे आमतौर पर हिम युग के दौरान हिम नदों की गतिविधि के पीछे छोड़ दी गई बहुत हाल की मूल सामग्री से बने होते हैं। साथ ही कार्बनिक पदार्थ जो कम तापमान पर धीरे धीरे क्षय होता है। मूल सामग्री द्वारा विशेषता मिट्टी वर्टी सोल्स चरागाह और सवाना वनस्पति के तहत गीली शुष्क जलवायु में कुछ प्रकार की ज्वालामुखी चट्टान पर वर्टिसोल विकसित होते हैं। वे हिंगने और सुखाने से फैलते हैं और सिकुड़ते हैं जिससे मिट्टी में गहरी दरारें पड़ जाती है। वे काले रंग के होते हैं और मिट्टी के खनिज मांड मोरिलोनाइट की एक उच्च सामग्री होती है जो विशेष ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय से बनती है। वर्टिसोल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पश्चिमी भारत का दक्कन का पठार है जहाँ बेसाल्ट आग्नेय चट्टान की एक गहरी किस्म सिलिकेट खनिजों की आपूर्ति करता है जिन्हें आवश्यक मिट्टी के खनिजों में बदल दिया जाता है। एंडिसोल अद्वितीय मिट्टी है जो अपेक्षाकृत हाल ही में उत्पन्न ज्वालामुखी राख पर बनती है। वे गहरे रंग के होते हैं और आमतौर पर उपजाऊ होते हैं। नम जलवायु में वे घने प्राकृतिक वनस्पति आवरण का समर्थन करते हैं। वे अक्षांशों और जलवायु की एक विस्तृत श्रृंखला पर बनते हैं। कार्बनिक पदार्थ में उच्च मिट्टी इस्टोसोल कार्बनिक मिट्टी है जिन्हें अक्सर पीट या मक कहा जाता है। वे आमतौर पर खराब जल निकासी वाले क्षेत्रों में ठंडी या ठंडी जलवायु में बनते हैं। स्पोडोसोल्स के पूरे उत्तरी क्षेत्र में इस्टोसोल्स के अनगिनत पेच है। मिट्टी के इस अनूठे क्रम में एक मोटी गहरी ऊपरी परत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक होती है। मिट्टी के सामान्य वर्गीकरण। मिट्टी के वर्गीकरण का सबसे व्यापक आधार विशिष्ट जलवायु और वनस्पति है जिसके तहत मिट्टी का विकास और विकास हुआ है। तदनुसार दुनिया की मिट्टी को मोटे तौर पर दो व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बेडलाफर्स ये मिट्टी नम क्षेत्रों में समृद्ध वनस्पति आवरण के तहत उगाई जाती है। इनमें एल्यूमिनियम और आयरन की मात्रा अधिक होती है लेकिन इनमें पोटेशियम कैल्शियम और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण पादप भोजन की कमी होती है। बेडोकाल्स ये मिट्टी जो शुष्क परिस्थितियों में उगाई जाती है ये उन सभी तत्वों को बनाए रखते हैं जो पादप खाद्य पदार्थ बनाने के लिए जाते हैं। ये मिट्टी प्रति वर्ष 25 इंच से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। आमतौर पर रंग में हल्का वे लीचिंग से पीड़ित नहीं होते हैं और क्षारी होते हैं। मिट्टी के इन व्यापक वर्गों में वनस्पति आवरण तापमान की स्थिति और वर्षा की मात्रा के आधार पर और उप विभाजन या उप किस्में शामिल है। उनकी उप किस्में नीचे दिए गए चार्ट से स्पष्ट होती है। जैसा सॉइल्स मिट्टी पेडल फर्स या और पेडोकोल। पेडल फर्स जो है लेटराइट साइल ट्रॉपिकल रॉड साइल ट्रॉपिकल रेड साइल रेड अर्थ साइल ग्रे ब्राउन साइल प्रेरी पोडोसोल साइल और टुंड्रा। इसके बाद पेडोकोल जो है उसके जो प्रकार है वो इस तरह है ब्लैक साइल आर चेरनोजेम्स चेस्टनट साइल ग्रे साइल और
ब्राउन सॉइल। इस तरह से ये दुनिया में कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और क्या उनके प्रकार है, इसकी ये जो है जानकारी आप लोगों को मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई है। साथियों, हमारे कई बच्चे जो है दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और विभिन्न कारणों से जो है शहरी क्षेत्रों में कोचिंग लेने या ज्ञान अर्जन करने के लिए आने में असमर्थ होते हैं। कई पारिवारिक और आर्थिक स्थितियां रहती है, इसलिए यह जो जानकारी है मैंने ऐसे ही बच्चों के लिए तैयार की है जो UPSC या अन्य राज्यों की PSC की परीक्षाएं या जो भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी में निश्चित ही यह वीडियो जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अतः मेरी अन्य वीडियो पानी के ऊपर भी है, पत्थर के ऊपर भी है, एक समुद्र विज्ञान के ऊपर भी है और कई वीडियो ऐसी है जो ज्ञानार्जन के लिए हमारे बच्चों को काम आएगी। तो बच्चों से मेरा अनुरोध है कि उन वीडियो को देख करके भी अपना ज्ञानार्जन कर सकते हैं। अगले अंक में फिर नए विषय, नई लोकेशन और नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को नमस्कार।